वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो बिल्कुल यूनिक वीडियो है दूसरे क्लासेस से। तो आज की हमारी वीडियो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज पर है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश आइडियम्स है एंड प्रोवर्ब्स है जो कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़रूरी है ये, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, तो उसके लिए इंग्लिश प्रोवर्ब्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं। मैं इस सीरीज़ को जो है कई वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। आज की हमारी पहली वीडियो है, तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि हम थोड़े से कम जाए, मतलब स्लो जाए, और कम से कम प्रोवर्ब्स जो है वो सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोवर्ब्स इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो जो है इसका एडिटर जो है अब्दुल कदीर है, अब्दुल कदीर दरेख, और जो क्रिएट किए गए हैं ये उर्दू ESL.com वालों ने ये क्रिएट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, आर नॉट टू द वाइज इन आर नॉट टू द अदर वाइज, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। नंबर सेकंड, अ सिनफुल मैन गोइंग टू द बैद एंड द गेंजिस, सो चूहे काक के बिल्ली हज को चली। थर्ड वी हैव, अ बैड पैनी ऑलवेज कम्स बैक, कोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं। बिजनेस एज बिजनेस, सौदा पैर सौदा है। डिस्टेंस लेंड्स चार्म टू द व्यू, दूर के डोल सुहाने। A bird in hand is worth two in the bush, no nakat na tera udhar. Beggars cannot be choosers, bikari aur bichod bichod. All the roads lead to Rome, jitte di kutti utte aan kaloti. Better an egg today than a hen tomorrow, aaj ka saag kal ki murghi se acha hai. बेटर लॉ देन बी ब्रोकन, जुग जाना टूट जाने से बेहतर है। अ ब्लड विल हैव ब्लड, खून का बदला खून। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, पराई चारपाई रास नहीं आती। डू वेल एंड हैव वेल, कर भला तो हो भला। ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट अब्रॉड। यहाँ पर आई डी है, ये इंग्लिश अगर आप ग्रामर देखेंगे तो ये एज है, मे बी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो। सो घर की सोकी परदेश के ब्रोस्ट से बेहतर है। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मज़ीद प्रोवर्ब्स सीखेंगे और एक साथ याद करेंगे। कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी आप डेली बेस पर याद करने की कोशिश करें, उसी में आपकी बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।